टीवी एक्ट्रेस रूपाली गांगुली आज यानी 5 अप्रैल के 47 साल का हो गई बाली। रूपाली गांगुली सालों से टीवी इंडस्ट्री से जुड़ल बाली, लेकिन उनके घर घर में पहचान सीरियल अनुपमा से मिलल। वो इस शो में लीड कैरेक्टर अनुपमा का रोल निभावेली और कमी फैंस जाना था ना कि अनुपमा के रोल खातिर मेकर्स को पहली पसंद ना रही। रूपाली गांगुली से पहले कई हसीना ए रोल खातिर ऑफर भइल रही, लेकिन सब ए रोल के रिजेक्ट कर दिली और यही वजह से रूपाली गांगुली की झोली में शो आई। चलिए हम आपके वो हसीना का नाम बताओ तनी, जूही परमार। टीवी एक्ट्रेस जूही परमार के अनुपमा के मेकर सबसे पहले अप्रोच कैले रहना, लेकिन वो समय जूही हमारी वाली गुड न्यूज में लीड रोल निभावत रही। जूही अपने शो की वजह से अनुपमा के रिजेक्ट कर दिली। गौरी प्रधान। गौरी प्रधान इस समय एक्टिंग की दुनिया से दूर रही, लेकिन सोशल मीडिया पर वो काफी एक्टिव रहली। गौरी के शो के मेकर से अनुपमा का रोल ऑफर भइल रहे, दावा कल गेल रहे कि गौरी ए रोल खातिर स्क्रीन टेस्ट भी देले रही, लेकिन उनकरी और मेकर्स के बीच बातचीत नहीं बन पावल। मोना सिंह। ए लिस्ट में मोना सिंह का नाम भी शामिल बाटे, उनके अनुपमा का मेन लीड खातिर अप्रोच कल गेल रहे। मोना सिंह ए रोल के ठुकरा दिली, लेकिन अभी तक एक्ट्रेस एकर वजह नहीं बतौले। बता दी कि मोना सिंह ए दिन OTT प्रोजेक्ट में बिजी वाली। नेहा पेंडसे। टीवी एक्ट्रेस नेहा पेंडसे के अनुपमा के मेकर्स लीड रोल खातिर ऑफर के लिए रहना, लेकिन एक्ट्रेस पहली बार में ही ये शो के ठुकरा दिली। ये बात का खुलासा नेहा पेंडसे खुद कैले रही। एक्ट्रेस बतौले रही कि सास बहू वाला डेली सोप नहीं कल चाहत, यही वजह से उस शो ठुकरा दिली। साक्षी तनवर। टीवी एक्ट्रेस साक्षी तनवर सालों से फैंस के बीच अपनी दमदार एक्टिंग के लिए जानल जाली। अनुपमा के मेकर साक्षी तनवर कभी दरवाजा खटखटौले रहना, लेकिन एक्ट्रेस ई रोल ठुकरा दिली। साक्षी वो समय अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी रही। श्वेता तिवारी। श्वेता तिवारी के पास भी अनुपमा का रोल आयल रहे, लेकिन वो रोल कैले से मना कर दिली। एक्ट्रेस अपनी बाकी प्रोजेक्ट में बहुत ज़्यादा बिजी रही वो समय। श्वेता सालवे। श्वेता सालवे के भी अनुपमा का मेकर शो में लेले का कोशिश के लिए रहना, श्वेता ए रोल का स्क्रीन टेस्ट भी दे रही, हालांकि बाद में मेकर्स को फिट नहीं लगली और उस शो में लीड रोल नहीं निभा पौली। रूपाली गांगुली। बता दें कि रूपाली गांगुली अनुपमा शो से टीवी में कमबैक के लिए बारी। वो लंबे समय तक टीवी इंडस्ट्री से दूर रही, ऐसे में उनके रोल मिलते ही तुरंत हाँ कर दिली। रूपाली ए रोल की वजह से 3 बार बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीत चुकल बाली। ये स्टोरी पर आपको क्या कहेगा कमेंट कर हमके जरूर बताई। बाकी अपडेट के लिए देखते रहें ABP भोजपुरिया।